अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर हैं सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन, एक नहीं अनेक हूँ मैं। दोस्तों आज हमारे साथ एक खास मेहमान बात करने के लिए, मुमरा शहर की एक उभरता हुआ सितारा जो पॉलिटिक्स में नज़र आ रहा है लगातार, युवा जो है मुमरा के, खास करके लड़कियां जो नज़र आ रही है उसमें से एक हमारे यूनुस शेख है, जो एनसीपी पार्टी से काफ़ी सालों से हम उनको देख रहे हैं कि लगातार वो काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बेटी को लॉन्च किया है अपने नगर सेवक की, शायद वो लड़ना भी चाह रही है, इच्छुक है। अभी हम उनसे बात करने के लिए हमारे चाय पे चर्चा बुलाए हैं उनसे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो? थैंक यू, गुड। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई देखकर कि टॉक शो, मैंने देखा नहीं था कि मुमरा में कोई ऐसा है जो इनिशिएटिव ले रहा है कि टॉक शो करे, लोगों को यू नो गेट देम टुगेदर, बिठाए, बात करे। यूजुअली मीडिया वालों का ही, जी हाँ, वो अलग रहता है, ये कुछ मैंने कुछ अलग सोचा। हाँ, तो इट्स अ नाइस आइडिया एंड ऑल द बेस्ट टू यू जी, और अच्छा कीजिए इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आजकल पॉलिटिक्स में जैसे हमने देखा है कि लोग 15-15 साल से, एक ओल्ड लोग, अभी एक नया जनरेशन आने की शुरुआत हो रही है। आप भी एक माशाल्लाह अच्छी पढ़े लिखी हो, तो आपका क्या, पढ़ाई के बारे में आपका क्या था, मतलब आपने कहाँ से पढ़ाई की और क्या, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो मैंने रिसेंटली अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रोम बिजनेस स्कूल से, इटली से, और फिर उसके बाद बस पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो क्यों ज्वाइन किया, मतलब पॉलिटिक्स से किया? आपने इतनी बड़ी डिग्री करी और बाहर जाके पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, तो उसके बाद में फिर पॉलिटिक्स में आना? पॉलिटिक्स एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ, क्योंकि मतलब घर से ही निकली पॉलिटिक्स, घर से ही निकली। मेरे डैड पॉलिटिक्स में है कुछ 25-26 साल से, और मैं आज 26 साल की हूँ। परसों अच्छा, मेरा बर्थडे था, 26 कंप्लीट हुआ है, और 26 सालों से मैंने ये देखा है। और उनके अंदर जो पैशन है लोगों को काम करके देने का, लोगों की हेल्प करने का, तो वो चीज़ें देखकर एक मेरे अंदर इंस्पिरेशन उनके थ्रू था, फिर उनसे ही मोटिवेशन भी मिला। फिर मेरे घर में पॉलिटिकल बातें होती है, जब अच्छा, हम लंच डिनर के लिए भी बैठते हैं तो फैमिली ड्रामा नहीं होता, बट मोस्टली पॉलिटिक्स डिस्कस होता है। पापा बोलते थे अवार्ड अंकल के बारे में कि पता नहीं क्या खाते हैं वो, इतनी एनर्जी उनमें और इतना लोगों का काम करने का उनमें मोटिवेशन है। इतने दूर तक आदमी पहुंचना होता, ऐसे ही नहीं पहुंचता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काबिलियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने क्या सोचा है, मतलब ये आने वाला चुनाव जो 2022 का जो आ रहा है उसमें आप लड़ोगे? इंशाल्लाह अवार्ड अंकल ने डिक्लेयर किया है, वो देखा हमने, वीडियो देखा। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर, कोशिश तो हमारी पूरी है, दुआ कीजिए कि सब अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह। आपने कुछ सोचा है कि मुमरा शहर या आपके वार्ड में ही, मुमरा तो नहीं अभी ना, तो किन किन मुद्दों पर आपने काम करना है आपको? देखिए ऐसा कोई सोचता नहीं है कि किन किन मुद्दों पर काम करना है, जैसे जैसे जो अपने सामने आता है इंसान उसको करने की कोशिश करता है। अभी जब से मैंने पैर रखा है इसमें, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, लोगों के प्रॉब्लम्स, लेडीज़ के प्रॉब्लम्स स्पेशली, डोमेस्टिक वायलेंस, फिर एडुकेशन से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, उस पर आपने काम किया है? जी, आरटी का कैंपेनिंग किया है और बहुत कुछ किया है जिसके अंदर लोगों को फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा करने वाले काम पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि उससे ही अपने एरिया का भी डेवलपमेंट होता है। लोग एडुकेटेड रहेंगे तो उनको सही और गलत का डिफरेंस पता चलेगा कि कचरा फेंकना गलत है, कचरा डस्टबिन में डालना सही है, वो एडुकेशन ही सिखाता है। तो बस वही चीज़ों पे मेरा फोकस रहेगा इंशाल्लाह। कौन सी पार्टी से लड़ोगे आप? एनसीपी पार्टी। देखो क्या होता है मालूम है, कभी ये पॉलिटिक्स से आया, कभी ऊंच नीच होती है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपने क्यों सोचा है कि दूसरी पार्टी है, ऐसा कुछ कभी कुछ हुआ ऐसा? तो हमारे खून में गद्दारी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस तो नहीं कि वही पार्टी टिकट मिलेगी, ऐसा कुछ है क्या? देखो हम लोग है ना अल्लाह पे अकीदा रखने वाले लोग हैं, तो कॉन्फिडेंस वाली बात तो अल्लाह से ही आ जाती है सबसे पहले। जिसको अल्लाह पे भरोसा है, सही इंसान सही रास्ते पे चल रहा है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता ना, उसका कोई कुछ ख़राब कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि ऑफकोर्स मुझे ये भरोसा अवार्ड अंकल ने डिक्लेयर भी किया है कि ये यहाँ से लड़ेगी, कुछ तो देखा रहेगा, कुछ पोटेंशियल देखा रहेगा जो शायद अब तक आप लोगों ने नहीं देखा, बट ही हैज़ एन आई, वो मैं जानती हूँ और उनको समझती भी हूँ, तो कुछ सोच कर ही बोला रहेगा कि ये करेगी। और मेरे डैड का हक है यार, 25 साल से पॉलिटिक्स में है,
तो वो तो अभी हमको हमारा हक मिल रहा है एक हिसाब से। अभी जैसे कि कॉर्पोरेट बनना, उसके 5 साल में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या करना होता है, वो स्टडी क्या किया आपने? मैंने स्टडी नहीं किया है बट क्योंकि कॉर्पोरेटर बनने के बाद कुछ तो हाँ, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ एक साल एक डेढ़ साल हुआ है आपको भी आप फील्ड में हो, दो साल हो गए दो साल से मैं प्रॉपर फील्ड वर्क कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सीख रही हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ, और सीखने की एज कभी कम नहीं होती, इंसान हमेशा सीखते ही रहेगा। तो और सबसे अच्छा टीचर मेरे पापा है मेरे साथ, तो उनसे ही हर एक चीज़ सीखती हूँ, वो बताते हैं, चाहे वो फील्ड वर्क हो गया या TMC में जाके कुछ बोलना है करना है, हर चीज़ वो ही सिखाते हैं मुझे, तो उसके ऊपर होता है उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा होता है, और वो ही मुझे बताते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। शहर जीतने के बाद जैसे कि हमने देखा नाले गटर का तो काम होता है, उसके अलावा आपने क्या सोचा है कि कुछ और अलग करना है? आपके अंदर पावर आने के बाद आप महासभा में जाओगी बैठोगी तो कुछ अलग क्या करना है? नाले गटर तो सभी करते हैं, क्या सोचा है? तो फिलहाल सबसे पहले बता दूं कि मैं नगर सेवक हूँ नहीं, मेरे हाथ में वो पावर है नहीं, पोस्ट है नहीं आने के बाद, हाँ। बट हमने अभी ऑलरेडी इतना काम किया है ये अच्छा, आपको बता तो करना पड़ता है ना, ना तो होते करना हुए भी वो तो करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग लोग है बहुत काफी एग्जिस्टिंग लोग, तो हम ना होते हुए भी हमने लोगों के कई सारे काम किए, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और वो पावर हाथ में आया नगर सेवक बनने के बाद, जो निधि मिलती है, अब तक तो निधि मिली नहीं है अच्छा, और जो तो गटर नाले आपने बोला वो छोड़ के ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है तनवर नगर का इलाका, जब उसके बाद बहुत सारे काम है आपके यार, जैसे लेडीज को घरों तक काम पहुंचाना, कोविड के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम पे मैं काम कर रही हूँ, ताकि लोगों के घरों में रोजी रोटी जाए जो इतने टाइम से ऐसे ही बैठे हैं जिनको कुछ काम धंधा नहीं, और कोविड ने तो ग्लोबली हालत खराब है मॉनेटरी टर्म्स में, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बच्चे बहुत ड्रॉप अप हो रहे हैं। तो मैंने इस बार भी मैंने RTE को लेकर कैंपेनिंग किया, जो स्लम एरियाज में गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स ने उनको स्कूल से निकाल दिया क्योंकि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो बच्चों का एडमिशन करवाया स्कूल्स में गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू, तो ऐसी सारी चीज़ों पर मैं ध्यान दे रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी जब मौका मिलेगा तो करूँगी। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एडुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, वो ही डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने बच्चों को एडुकेट कीजिए, और पुरानी दुनिया चली गई, अभी जनरेशन्स चेंज होते हैं, वो ज़माना चला गया जब बिना पढ़े लिखे लोग भी काम धंधा करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला, बट अब भी जो जनरेशन आने वाला है पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिग्रीज सबसे इम्पॉर्टेंट है, पढ़ा लिखा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपना फ्यूचर बना सकें, दुनिया में खड़ा रहना है तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी रिक्वेस्ट सारे बॉयज़ से मैं करना चाहती हूँ उमरा के, मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आई है ये चीज़ पे कि आप ड्रग्स को लेके प्लीज़ अच्छा। कुछ करिए, और सही बोलूँ तो ड्रग एक ग्लोबल मसला है, वो एक छोटा टॉपिक नहीं है, पूरा मतलब वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, बड़ा टॉपिक है, नगर सेवक हो गया, मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ लड़कों से कि देखो यार एज अ दोस्त समझा रही हूँ या एज अ बहन जो भी समझो कि ड्रग्स जो भी होता है, तुम लोग जो भी नशा करते हो वो तुमको एक लूप में घुमा के रखता है, तुमको वो उसमें से निकलने नहीं देता है, रात को करके सोते हो सुबह उठते हो फिर दिमाग उसमें रहता है, अरे फिर जाके नशा करने का है, फिर जाके किससे लेने का है, फिर जाके कुछ करने का है, तो तुम्हारा ध्यान किधर और नहीं जा पाता है क्योंकि वो नशे के लूप में रहता है, वो लूप को तोड़ना ज़रूरी है, और कोई भी नशे को अपने बॉडी से निकलने के लिए 21 डेज लगता है, तो अगर तुम लोग को चाहिए कि तुम वो कोशिश करना चाह रहे हो कि तुम नशा छोड़ो, जाओ फैमिली से बात करो, रिहैब सेंटर्स है, या खुद अपने अंदर वो मोटिवेशन लाओ कि नहीं चल भाई 21 डेज करके देखता हूँ होता है कि नहीं, ट्राई करो, 21 डेज तक तूने कंट्रोल किया भाई तेरा नशा ख़त्म, तो प्लीज़ ये मैं चाहती हूँ कि करो, तुम लोग नशे को छोड़ोगे तो आगे दुनिया में आगे बढ़ोगे, डेवलपमेंट में आगे बढ़ोगे, और हम लड़कियाँ आज निकल के आ रही है बाहर, अभी आप देख लो कितने बडिंग पॉलिटिशियंस हैं, मुमरा की भी लड़कियाँ बहुत सारी चीज़ें कर रही है, तो लड़के क्यों पीछे रहे भाई, और हम तो चलो स्ट्रांग बन रहे हैं बट अब हम स्ट्रांग है बट हमारे लिए तुम्हारे कंधे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हारी ज़रूरत है हमको भी,
तो अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि तुम पर भी कोई डिपेंड हो सके, और अपनी फैमिलीज तो ऑलरेडी अपने ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उनको नाराज मत करो, खुद का मत सोचो, अपने आसपास के लोगों का भी सोचो। तो यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इस पे अमल कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो तो ज़रूर करना। ठीक है, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे मुमरा शहर है अपना, इतना 10 से 15 लाख की आबादी है, बहुत अभी आबादी होगी, तो हम लोग यहाँ के लोग जाते हैं थाना मुलुंड जैसे कि मॉल में जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, मॉल नहीं है, डीमार्ट नहीं है, मैकडोनल्ड्स नहीं है, जो बड़े बड़े ब्रांड मुमरा शहर में आना नहीं चाहते हैं, क्यों ऐसा, या यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? आना नहीं चाहते की बात नहीं है, अभी देखो मुमरा में मॉल जो ये सब है ना, बहुत आगे का डेवलपमेंट हो गया है इब्राहिम भाई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे नहीं आ रहे, मतलब वो उनकी सोच क्या होगी? रोड भी स्टेडियम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो हर एक चीज स्लोली स्लोली होती है, और ऊपर भी जाके गाँव TMC में भी ये सब चीजें करवाने के लिए भी बहुत ताकत लगाना पड़ता है, और वो अवार्ड अंकल लगाते हैं तब जाके अपने को ये मिलता है, ताकत तो है ना, ऐसे नहीं की तो पूरी ताकत है, पूरी सीट है ना, तो इसीलिए, बट ऐसा लगता है तुमको कि ताकत है, उधर जाके बोलने में करने में नहीं, नहीं बहुत ज्यादा इंसान को करना पड़ता है जब जाके ये चीजें होती है, अभी स्टेडियम हॉस्पिटल बहुत टाइम लगा, बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली सब आएगा, मुमरा में सब मिलेगा, मुमरा वाले को सब मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सहरा, ये थे मुमरा शहर के एक युवा नेता जो हमारे साथ बात करने के लिए आज चाय पे चर्चा थे, फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ, देखते रहिए चाय पे चर्चा इब्राहिम शेख के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।